जिस तरह से संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया है, ये पहले ही होना था, क्योंकि नीतीश कुमार एक एक जो क्षेत्रीय दल है उसका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। नीतीश जो है पहले भी लोजपा का अस्तित्व मिटाया, उनके गठबंधन में था, एक विधायक था, और उसको कैसे तोड़ के बेगूसराय के विधायक को उसका अस्तित्व मिटाया। जो अपने दल के लोगों को, जो अपने गठबंधन के लोगों को एक नहीं कर सका, वो पूरे देश में सबको एक करने के लिए चले हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन मांझी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है, और बता दें कि उन्होंने अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। जितेंद्र मांझी भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, और कल भी संतोष सुमन मांझी ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार ने कहा कि आप विलय कर ले, पार्टी के साथ विलय कर ले, और अपने ही पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहे। बता दें कि जैसे ही उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद हर तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और इसको लेकर बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, ये तो पहले ही होना था। नीतीश कुमार धीरे धीरे एक एक क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, सुनिए। जिस तरह से संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया है, ये पहले ही होना था, क्योंकि नीतीश कुमार एक एक जो क्षेत्रीय दल है उसका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। नीतीश जो है पहले भी लोजपा का अस्तित्व मिटाया, उनके गठबंधन में था, एक विधायक था, और उसको कैसे तोड़ के बेगूसराय के विधायक को उसका अस्तित्व मिटाया। उसके पहले भी कई विधायकों को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। उसी तरह तेजस्वी यादव ने मुस्लिम लीग पार्टी को कैसे देखिए तोड़ा। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि हम बिहार के राजा हम ही हैं, और आज जो परिस्थिति बनी है वो पहले भी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर और फिर से उनको गद्दी से हटाया गया, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये महादलितों का घोर अपमान है। जो अपने दल के लोगों को, जो अपने गठबंधन के लोगों को एक नहीं कर सका, वो पूरे देश में सबको एक करने के लिए चले हैं। यहाँ पर बिहार में बिहार की जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व, जो देश के प्रधानमंत्री है उनको माना है नेता, उनके कार्य को माना है। तो आपने सुना कि इसको लेकर बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि देखिए, ये जो अभी हुआ है, संतोष सुमन मांझी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, ये बहुत पहले ही होना था, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो धीरे धीरे करके एक एक क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी बता दिया कि ये जो महादलित है उनका घोर अपमान भी है, और बताया कि किस तरीके से जो नीतीश कुमार हैं अपने ही लोगों को एक साथ जोड़कर नहीं चल पाए हैं, तो देश को जोड़ने की बात कैसे कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर से तंज कसा है नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की, और जहां वो खबर भी यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसको लेकर ही इंजीनियर शैलेंद्र जो है उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, और कहा है जो अपने ही पार्टी को इकट्ठा करके एक साथ आगे नहीं चल पाए वो देश को क्या जोड़कर चलेंगे। खबर बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।